इफिसियो एक ऐसा प्रांत था जो बहुत अपने समय में बहुत फेमस था ज्ञान के लिए। वहाँ पर बहुत सारे मतलब विश्वविद्यालय टाइप जगह होती थी जहाँ पर लोगों को ज्ञान दिया जाता था, ज्ञान का केंद्र उसे माना जाता था। और वो बहुत ही आकर्षक एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था ज्ञान के मामले में। एक तो बहुत फेमस था, दूसरी बात वहां पर एक अर्थमिस देवी का मंदिर था, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। और वहां के लोग इस बात पे गर्व करते थे, गुमान रखते थे कि हम इफिसिस में रहने वाले लोग हैं और हमारा क्षेत्र ज्ञान के मामले में और आत्मिक चीजों के बातों के क्षेत्र में बहुत सबसे आगे हैं। तो इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा गुमान था। और प्रेरित पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान इफिसस में जाकर सुसमाचार सेवा की थी और सुसमाचार इफिसस के लोगों तक पहुंचाया था। लगभग 2 साल उनकी सेवा इफिसस के अंदर बताई जाती है। और इस वक्त जब पौलुस इस पत्री को लिखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पौलुस जो है वो जेल के अंदर बंद थे, एक ऐसे जगह पे बंद थे, उनको नजरबंद किया गया था रोम के अंदर, एक घर के अंदर उनको नजरबंद किया गया था। उनको बाहर आने जाने की छूट नहीं थी, उनको एक प्रकार से कैद उनको किया गया था। और उस कैद के दौरान भी उन्होंने ये आजादी थी कि वो लोगों को सिखा सकते थे, बता सकते थे। उस दौरान उन्होंने इस पत्री को लिखा। और इस पत्री का जो मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को, इफिसियों के लोगों को बताना, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च परमेश्वर है। क्या है? सर्वोच्च प्रभु, प्रभु यीशु मसीह ही सर्वोच्च प्रभु है। उन लोगों को इस बात का, इफिसस के लोगों को गुमान था एक बात का कि हमारी देवी अर्तिमिस जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका संपूर्ण एशिया उसको मानता है और हम हमारी देवी की सब आराधना करते हैं, हमारे लिए वो सबसे ऊंचे स्थान रखती है। जब इफिसस के अंदर पौलुस सेवा करने के लिए गए थे तो उस देवी को लेकर बहुत झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि उस देवी के अनुयायी जो थे उसकी मूर्तियां बनाकर बेचते थे। लेकिन जब सुसमाचार वहां पर सुना दिया गया, लोगों तक सच्चाई पहुंचा दी गई, सच्चे परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा दिया गया, तो लोगों ने उस देवी की मूर्तियों को लेना बंद कर दिया। और वहां पर उस वजह से बहुत बड़ा बवाल होता है कि हमारा बिजनेस ठप हो गया, हमारा काम ठप हो गया है। इतना ज्यादा वो वहां पर सुसमाचार का कार्य पौलुस के द्वारा वहां पर किया गया। और काफी समय के बाद में लगभग 60 ईस्वी में पौलुस ने इस पत्री को लिखकर इफिसियों के लोगों को भेजा और उनको बताता है कि अर्तिमिस देवी सर्वोच्च नहीं है, या वो जो ज्ञान जिसके ऊपर तुम लोग घमंड करते हो या तुम्हारे आसपास के लोग घमंड करते हैं, जिसके द्वारा वो तुम्हें गुमराह करते हैं, जिसके द्वारा वो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वो ज्ञान सर्वोच्च नहीं है, लेकिन जिसका तुमने सुसमाचार सुना है यीशु मसीह, वो सर्वोच्च है, परमेश्वर सर्वोच्च है, प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च प्रभु है। हालेलुया। और सर्वोच्च प्रभु को क्यों है, उसका रीजन भी उन लोगों को बताता है क्यों यीशु मसीह। एक तो वो परमेश्वर इसलिए वो सर्वोच्च है और उसके बहुत सारे अद्भुत कार्य हैं मानव जाति के लिए, उनके लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और बहुत से कार्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च प्रभु करके बताते हैं। कुछ अद्भुत काम हमारे जीवनों में उसने किए हैं जो हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह ही सर्वोच्च प्रभु। ऐसे कार्य जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, ऐसी आशीषें जो हमने पाई हैं कोई मनुष्य नहीं दे सकता था, ना ही हम उन आशीषों को किसी तरीके से खरीद सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वो आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, इसलिए वो सर्वोच्च प्रभु है। ऐसी अद्भुत आशीष उसने हमें प्रदान की है, कुछ ऐसे अद्भुत कार्य उसने हमारे जीवनों में किए हैं जिसका वर्णन पौलुस इस पत्री के अंदर करता है। सर्वोच्च प्रभु आज हमारा विषय है, सर्वोच्च प्रभु। सर्वोच्च प्रभु क्यों है? परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर का व्यवहार, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रहकारी हृदय उसको सर्वोच्च बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कुछ ऐसी बातों को हम देखेंगे पौलुस जिनके जिनके द्वारा
इफिसस के लोगों को बताता है कि वो सर्वोच्च प्रभु क्यों है, क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने तुम लोगों के लिए। पहली बात इफिसियों 1:3 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है हम मसीह में स्वर्गीय आशीषों के सहभागी हैं। वो क्यों सर्वोच्च परमेश्वर है? क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय आशीषें हमें दी है, ऐसी आशीषें जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। हालेलुया। 1:3 को पढ़िए क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में, किसमें, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। मसीह में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र में यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। वो सर्वोच्च प्रभु है क्योंकि उसने हमें स्वर्गीय आशीषों में सहभागी बनाया है। स्वर्गीय आशीषें उसने हमें दी है, ऐसी आशीषें जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी हुई है, जिनका आने वाले समय में हम आनंद उठाने वाले हैं, लुत्फ उठाने वाले हैं, और वो आशीषें सुरक्षित हैं प्रभु यीशु मसीह में। वो ऐसी आशीषें, ऐसी बातें नहीं है जिन्हें तुम संसार में पाते हो, जिनका कुछ समय वो तुम्हारे पास रहती और खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसी आशीषें उसने दी है जो स्वर्गीय स्थानों में उपस्थित है। किसमें उसने हमें वो आशीषें दी है, किसमें दी है, मसीह में। कौन से स्थान में? स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीषें मिली है। वो सर्वोच्च प्रभु है क्योंकि मसीह के द्वारा उसने हमें स्वर्गीय आशीषों में सहभागी बनाया है। हालेलुया। दूसरे 1:4 में हम पढ़ते हैं वो सर्वोच्च प्रभु क्यों है, क्योंकि उसने हमें मसीह के द्वारा चुन लिया है, उसने हमारा चुनाव किया है। 1:4 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर जो स्वर्ग में अपने सिंहासन को लगाता है, अति महान सृष्टिकर्ता खुदावन परमेश्वर, उसने हमें चुन लिया। वो आता है इस संसार में हमें इस संसार से अलग करने के लिए, इस संसार के अंदर जो पाप है, जो चीजें, उनसे हमें अलग कर लिया एक विशेष उद्देश्य के लिए। उसने हमें चुन लिया मसीह में, मसीह के द्वारा हम चुने हुए हैं, मसीह ने हमें चुन लिया। वो सर्वोच्च परमेश्वर है। आपका चुनाव किसी एक दुनियावी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन सोचो तुम्हें जो जिस परमेश्वर ने चुना है, वो चुनने वाला परमेश्वर सर्व सामर्थी स्वर्गीय खुदावन है, स्वयं परमेश्वर है। उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर इस कदर हुआ है, उसने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे क्या होने के लिए उसने हमें चुन लिया है। आगे 1:5 जब हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं अच्छे से, आप ध्यान से एक एक वर्ष पढ़ते जाइए। 1:5 में लिखा है सर्वोच्च प्रभु है क्योंकि उसने हमें अपना पुत्र और पुत्रिया होने के लिए चुन लिया, उसने हमें अपना बेटा और अपनी बेटी उसने हमें बना लिया है, एक अधिकार, उत्तराधिकार उसने हमें दिया है। हालेलुया। उसने सिर्फ अपने अनुयायी करके या अपने भक्त बनाकर सिर्फ हमें नहीं रखा, उसने हमें अपना बेटा और अपना अपनी बेटी उसने हमें बनाया है, वो हमें अपने पुत्र और अपनी पुत्री कहता है। हालेलुया। इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर है, संसार के ईश्वर, संसार के हम चारों ओर देखते हैं कितना वो आज भी वो स्पेस एक दूरी देखने को मिलती, हालांकि वो परमेश्वर हमारा इकलौता परमेश्वर है, लेकिन संसार में लोग जिन्हें परमेश्वर समझते हैं उनके बीच में, अरे इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये पवित्र है, हम अशुद्ध हैं, ये करना पड़ेगा तब हम वहां पर जा सकते हैं, हम उसके भक्त हैं, वो बहुत सर्वोच्च है, वो बहुत बड़ा है, हम इस लायक नहीं है कि हम उसके करीब जाए या फिर हम, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा, उसने हमें अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? उसकी बेटा और बेटी कहलाने, वो हमें अपना पुत्र और अपने पुत्री कहता है, वो हमें सिर्फ अपने अनुयायी, सिर्फ अपने भक्त नहीं कहता, बेटा और बेटी आपको कहता है। हालेलुया। पढ़िए 1:5 में क्या लिखा हुआ है, उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से अपने लिए मसीह यीशु के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। लेपालक पुत्र होने के लिए मसीह के द्वारा उसने हमें ठहराया। वो सर्वोच्च परमेश्वर है,
वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम उसके सिर पे अनुयायी या भक्त कहलाओ, वो परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी तुम्हें कहता है। हालेलुया। इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है। 2 का 19 पढ़िए। अतः अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। उसने अपना परिवार तुम्हें बना लिया है ना कुटुंब। परमेश्वर हमें उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर उनको जिनसे परमेश्वर उनको अपना परिवार कहता है, जो उस पर ईमान लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर हमें अपना घराना कहता है। क्या कहता है? अपना घराना कहता है। हम मसीह का घराना है, हम मसीह का परिवार है, हम मसीह का कुटुंब है। हालेलुया। अतः अब तुम विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हैं। हम परमेश्वर का परिवार बन गए हैं। क्या बन गए हैं? परमेश्वर का परिवार बन गए। वो परमेश्वर जो इस जहान को आकार देता है, इस जहान को सुंदरता देता है, जो बनाता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको क्या कहता है? ये मेरा परिवार है। कलीसिया मेरा परिवार है। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, परमेश्वर के परिवार का भाग है। हालेलुया। उसने हमें अपना परिवार बना लिया, इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर है। इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर, वो हमारे साथ भेदभाव नहीं करता। वो हमारे साथ में ऐसे नहीं करता कि तुम कुछ नीचे हो। पुराने नियम के दौरान भी जब यहूदी लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना जब करते थे, तो पहले जो अन्य जाति लोग थे उनके लिए एक अलग स्थान होता था कि तुम लोग यहाँ पर रहकर आराधना करोगे, तुम इससे आगे बढ़ नहीं सकते। उस समय पर भेदभाव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस भेदभाव को मिटा दिया गया। अब हम सब मिलकर परमेश्वर का परिवार बनते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे समाज में हम भेदभाव को देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ वैसा भेदभाव नहीं करता। उसने हमें अपना परिवार बना लिया है। 2 का 21 से 22 पढ़िए। लिखा है, परमेश्वर का, हम परमेश्वर का निवास स्थान बन गए हैं। कैसा स्थान? जहां पर परमेश्वर रहता है। पढ़िए, निकालिए मेरे साथ। जिसमें संपूर्ण रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या होने के लिए? निवास स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर रहा जा सके। वो स्थान कौन है? हम लोग। हालेलुया। कलीसिया, जहां पर परमेश्वर रहता है। हमें परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया है। वो किसी हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। हालेलुया। हम उसका घर है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। उस परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति देखिए, उसने हमें अपना निवास स्थान बना लिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वक्त भी बैठ के सोच रहे होंगे कि सच में मैं यहाँ, जैसा मेरा जीवन है, सच में मैं इस लायक तो नहीं हूं अब भी कि परमेश्वर मेरे जीवन में आके रहे। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपने लहू से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और हमारे जीवनों में रहता है। उसने हमें अपना निवास स्थान होने के लिए चुन लिया, हम उसका निवास स्थान बन गए। इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर है। इसलिए वो सर्वोच्च परमेश्वर है। इफिसस के लोगों, वो ज्ञान, ये आशीषें जो मसीह में हमें मिली है, वो ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता। अर्तिमिस की देवी, जो अर्तिमिस देवी है, वो तुम्हें नहीं दे सकती। या एफिसस में और भी जो अन्य देवी देवता है, वो तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें ये आशीषें दी है। प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें ये आशीषें मिली है। हालेलुया। हम मसीह में स्वर्गीय स्थान आशीषों के सहभागी हो गए हैं। उसके मसीह में, मसीह के द्वारा चुने हुए हैं।
मसीह के द्वारा लेपाला पुत्र और पुत्रिया बन गए हैं, मसीह में पवित्र किए गए हैं, परमेश्वर का परिवार हम बन गए हैं, परमेश्वर का निवास स्थान हम बन गए हैं। ये आशीषें हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है। एफिसस की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ये कहते हैं, क्या ये आशीषें तुम्हें कोई और दे सकता है? इसलिए कोई भी सर्वोच्च नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च परमेश्वर है। हालेलुया। फिर वो ये साथ में ये भी बताते हैं प्रेरित पौलुस कि हमने ये आशीषें, आज हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इन आशीषों को हम अपने जीवन में पा चुके हैं। लेकिन याद करो, हम अपने पुराने जीवन में क्या थे, कैसे थे। इन बातों को भी प्रेरित पौलुस यहाँ पर याद दिलाते हैं। प्रेरित पौलुस इफिसियों 2:1 में इस प्रकार कहते हैं, हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। किन क्या क्या थे, 2:1 में पढ़िए, हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। इस प्रकार लिखा है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पापों और अपराधों के कारण हमारे जीवनों में इतना पाप था, इतने अपराध थे, जिन्होंने हमें आत्मिक रीति से मार दिया था। हम आत्मिक रीति से मृत्यु के चंगुल में थे, मृत्यु के काबू में थे पाप के कारण। यह हमारा जीवन था जब हमने प्रभु को नहीं जाना, आत्मिक रीति से मरे हुए, अपराधों और पापों में मरे हुए। दूसरी बात जो याद दिलाते हैं प्रेरित पौलुस, कहते हैं संसार की रीति और अंधकार की सामर्थ्य के अनुसार हम चलते थे। संसार के अंदर जो चीजें होती हैं, जो पाप जो कार्य होते हैं, हम उनके अनुसार अपना जीवन जीते थे। और अंधकार की सामर्थ्य, दुष्ट आत्माओं के चलाए हम चलते थे, ये हमारा जीवन था। पढ़िए 2:2 क्या लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। ये हमारा जीवन था, हम पहले संसार की रीति और अंधकार की सामर्थ के चलाए चलते थे। पुराना जीवन अंधकार, संसार के जैसे पाप में पड़े हुए, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने वाले, स्वार्थ से भरा हुआ जीवन जीने वाले लोग हम थे। अंधकार की सामर्थ के चलाए चलने वाले हम लोग थे, जिसने जो बोल दिया वो कर लिया, टोने टोटके करने वाले लोग, ऐसे हमारा जीवन था। लेकिन आज भी एक संदेश इसी वर्ष में हमें पता चलता है, अब भी ये चीजें, संसार की रीति पर चलने वाले, अंधकार की सामर्थ के चलाए चलने वाले अब भी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वो इस वक्त भी है। तीसरी बात जो प्रेरित पौलुस कहते हैं, शरीर की लालसाओं और मानसिक इच्छाओं में लगे हुए थे। 2:3 में पढ़िए क्या लिखा है, उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, तथा शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान भी थे। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने वाले, जो मुझे अच्छा लगता है, जो वो करने में हम बिजी थे, उनमें हम लगे हुए थे, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में, कैसे इसमें मैं अपने आप को तृप्त कर सकता हूं, उसकी खोज में, संसारिक चीजों की खोज में हम भटके हुए थे। ये हमारा जीवन था। तीसरी बात, चौथी बात, परमेश्वर, हम इस लायक थे कि परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन पर आना चाहिए था। हमारा जीवन ऐसा था, हम पर परमेश्वर का क्रोध आना चाहिए था। हम सजा के हकदार लोग थे, हमें सजा मिलनी चाहिए थी पापों की, गुनाहों की, जो हमारे जीवनों में थे उनकी हमें सजा मिलनी चाहिए थी। हम इस लायक लोग थे, हम इस लायक नहीं थे, जो ऊपर आशीष से जिनके बारे में हमने बातें की, हम बेटे बन गए, उसका परिवार बन गए, हमने स्वर्ग की आशीषें पा ली, हम इन चीजों के लायक नहीं थे। हम इस लायक थे कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना चाहिए था। 2:3 के अंदर लिखा हुआ है, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे, पाप की संतान। और आगे लिखा हुआ है 2:12 में पढ़िए, परमेश्वर की वाचाओं और आशीषों से हम दूर थे। 2:12 में पढ़िए, स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे, प्रतिज्ञा की गई वाचाओं के भागीदार न थे,
और आशाहीन तथा संसार में परमेश्वर रहित थे, परमेश्वर की वाचाओं और आशीषों से दूर थे। परमेश्वर ने जो वाचाएं और आशीषें जो निर्धारित की थी वो हमारे जीवन से बहुत दूर थी। ऐसा हमारा जीवन था, हम आशाहीन थे। 2:12 में लिखा हुआ है कोई आशा हमारे पास नहीं थी, जिन पापों में हम फंसे हुए थे वो पापों में और ज्यादा पापों में हमें गिरा रहे थे, क्योंकि हम छुटकारे की तलाश में जो हमसे बन पड़ रहा था हम कर रहे थे। आशाहीन व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, हमारे चारों लोगों को देखिए, आशाहीन व्यक्ति कैसा दिखाई देता है। अपने जीवन की शांति के लिए जो रास्ता उसे दिखा दिया जाए उसी पर वो चलता है। किसी ने ये बोल दिया कि तुम ये कर लो, वो करने लग जाता है। किसी ने बोल दिया कि तुम उस धाम पे जाओ, वो उधर चला जाता है। किसी ने बोला कि तुम नंगे पैर चल के उधर जाओ, वो उधर चला जाता है। किसी ने बोला तुम जानवरों की बलि करो, वो जानवरों की बलि करने लग जाता है। किसी ने बोला कि तुम यहाँ सोना चांदी चढ़ाओ, वो सोना चांदी चढ़ाने लग जाता है। आशाहीन व्यक्ति ऐसा होता है, कहीं से तो कुछ मिल जाए, कहीं से तो मेरी भलाई हो जाए, कहीं से तो कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे जीवन में जो पाप है, अशांति है, वो दूर हो जाए, कहीं से तो कुछ ऐसा हो जाए। और इन्हीं चीजों के साथ साथ बेतुकी चीजें करते हुए आप लोगों को देखते होंगे, आपको देख के हंसी आ जाए कि भाई तू ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो आपको पीट भी सकता है, आपको बेतुकी लग रही है लेकिन वो कुछ कर रहे है। ऐसे लोग हैं हमारे चारों, ऐसे संसार में हम जी रहे हैं। ऐसे ही थे हम पहले, आशाहीन, कोई आशा नहीं थी, परमेश्वर रहित थे। वैसे तो बहुत सारे परमेश्वर थे लेकिन इस सच्चे परमेश्वर से हम दूर थे। कोई छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला हमारे पास नहीं था, परमेश्वर रहित थे, ये हमारा जीवन था। अब देखिए ऊपर हमने 6 आशीषों के बारे में बात की है, नीचे हमने जो आशीष हमने मसीह में पाई है, नीचे हमने अपने पुराने जीवन की दशा को हमने देखा कि पहले क्या थे। 7 बातें हमने देखी, लेकिन आज हम मसीह के आशीषों के सहभागी हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसके बेटा बेटी हैं, उसका परिवार है, उसका निवास स्थान है। ये इतना बड़ा परिवर्तन जो हमारे जीवनों में आया है, इतना अद्भुत कार्य है जो हमारे जीवनों में हुआ है, ये कैसे हुआ है, क्या किया परमेश्वर ने, कुछ किया है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। कौन सी वो चीज थी जो हमारे जीवनों में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आई, पढ़िए 2:17 में, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हमारे जीवनों में एक बड़ा परिवर्तन जो आया, जो आशीषें, जो अद्भुत आशीषों की बात जो हमने की है, वो आशीषें कैसे हमने, किस प्रकार वो आशीषें हमारे जीवन में आई। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल का सुसमाचार सुनाया, पिता परमेश्वर के साथ एक होने का सुसमाचार। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया जिसके द्वारा हम अपने पिता के साथ मेल में आ सकते हैं, उसके साथ फिर से हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर चले गए थे। और इस दूरी को मिटाने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आते हैं और उन्होंने मेल का सुसमाचार हमें दिया। हालेलुया, वो सुसमाचार की सामर्थ है जो हमारे जीवनों को बदलती है, ये सुसमाचार की सामर्थ है जो हमारे जीवनों में इतने सारी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेकर आई है, ये सुसमाचार की सामर्थ है जो परिवर्तन आज हम अपने जीवनों में देखते हैं। सुसमाचार जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, ये परिवर्तन, हम उसका परिवार बन गए, उसका बेटा बेटी बन गए। हालेलुया, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता हमारे लिए खोला, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो आशीषें मिली। हालेलुया, उसने मेल का सुसमाचार हमें सुनाया, तब हमारे जीवनों के अंदर ये परिवर्तन आया है, तब वो आशीषें जिनकी बात हमने की है हमारे जीवनों में आई। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया, अगापे प्रेम किया, ऐसा प्रेम जिसमें क्षमा की भावना है, ऐसा प्रेम
जो अद्भुत प्रेम है, हालेलुया, अद्भुत प्रेम है। देखिए 2 के 4 में क्या लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमसे क्या किया, महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। सोचिए हम क्या थे, हमने देखा ना हमारी पुराने जीवन की दशा क्या थी, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, सुसमाचार सुना है, इसलिए वो सर्वोच्च है, वो खुद ही संसार के अंदर आ गए, क्योंकि मनुष्य हम उसके पास जा ही नहीं सकते थे, इसलिए वो सर्वोच्च है, इसलिए वो सबसे ऊंचा दर्जा रखता है, इसलिए वो इकलौता परमेश्वर है, उसने हमसे प्रेम किया, हमने उसके पहचान को ठुकराया था। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखोगे, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया, जब मनुष्य ने पाप किया तो वो पाप के अंतर्गत क्या क्या चीजें उसने की, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के स्वरूप का अपमान किया, परमेश्वर ने अपना स्वरूप मनुष्य को दिया था, मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर के स्वरूप का, परमेश्वर के स्वभाव का, परमेश्वर के गुणों का उसने अपमान किया, उनका इनकार किया, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप की बेइज्जती मनुष्य ने की, हमने की थी। अगर आपकी कोई बेइज्जती कर दे, या आपके लिए संभव है उससे प्रेम करना, करते हैं क्या? आज के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, हमारे शब्द ऐसे होते हैं ना, कभी इससे ऊपर चले जाते हैं, मर गया वो मेरे लिए, है ना, फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जीवनों की हकीकत है, जो हमारी बेइज्जती करे, जो हमें किसी कारणवश किसी भी चीज में हमें निंदा अगर कोई करते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है उस व्यक्ति के प्रति। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत अगापे प्रेम है, उसने हमें क्षमा किया, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया, और उसने हमसे प्रेम किया है, ऐसे व्यक्ति से उसने प्रेम किया है जिसने उसके स्वरूप का इनकार किया, ऐसे व्यक्ति से उसने प्रेम किया है जिसने उसके स्वरूप का अपमान किया, उसके स्वभाव की बेइज्जती की, उसके स्वरूप की बेइज्जती की, ऐसे मनुष्य से उसने प्रेम किया, हमसे उसने प्रेम किया, इसलिए वो सर्वोच्च है। हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, अपना प्रेम उसने सिर्फ शब्दों में नहीं दिखाया, उसने सिर्फ बोल के अपना प्रेम को नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने प्रेम की जो उच्च स्तर से अपने प्रेम को कैसे दिखाया, उसने अपना लहू बहा दिया, अपना खून उसने क्रूस के ऊपर बहा दिया। हमारे अपराधों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि हम किसी और तरीके से छुटकारा पा ही नहीं सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, ये कार्य किया गया है जिनके द्वारा हमने उन आशीषों को पाया, वो हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने स्वयं अपना लहू बहाया है, किसी पवित्र मनुष्य के लहू बहाए जाने के द्वारा ही छुटकारा हो सकता था, लेकिन बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी ऐसा नहीं जो पवित्र है, अगर संसार में कोई पवित्र नहीं है, कौन मनुष्य के लिए अपना लहू बहाएगा, कोई पवित्र नहीं, इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया कि हम जो पाप में पड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं, पाप में मरे हुए हैं, हमें जीवन दिया जा सके, हमें नया किया जा सके, हमारे पापों को धोया जा सके, हमें शुद्ध किया जा सके, उसने अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ये वो कार्य है जो आपके जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आता है, जो हमारे लिए जीवन को, अनंत जीवन को लेकर आता है, स्वर्गीय स्थानों में आशीष है, कौन सी आशीष, कौन सी आशीष, हम एक दिन परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, हमारा ये संसार रूपी जो तंबू है, ये घर है, ये शरीर है, ये खत्म हो जाएगा, और हम
अपने स्वर्गीय स्थान में उन आशीषों का आनंद उठाएंगे जो परमेश्वर ने रखा है, यानी कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएंगे, क्योंकि उस तक पहुंचने का वो रास्ता उसने खोल दिया है सुसमाचार सुनाने के द्वारा, हमसे प्रेम करने के द्वारा और अपना लहू बहाने के द्वारा हम उसके साथ में होंगे। हालेलुया, उसने अपना लहू बहाया, वो स्वर्गीय आशीषें तब आपको मिली है। प्रभु यीशु ने पिता से हमारा मेल कराया, उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया, उसने हमें पिता के साथ जोड़ दिया। क्या लिखा हुआ है 2:18 पढ़िए, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, पिता के पास पहुंच होते, पिता के पास हम पहुंचते हैं। हालेलुया, वो पिता के पास जो पहुंच होती है वो ऐसे ही नहीं हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने वो पहुंच, वो मेल कराया है अपना लहू बहाने के द्वारा। हालेलुया, वो आशीषें जिनको हम पाने वाले हैं स्वर्गीय स्थानों में, जिन्हें हमने पा लिया है, वो आशीषें जिनका आनंद हम इस संसार में उठाते हैं, वो आजादी जो हम महसूस करते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिली। परमेश्वर खुद ही संसार में आया है, उसने देहधारी वो हुआ, उसने अपनी मनुष्य की देह में होकर वो आया और उसने उद्धार का सुसमाचार हमें सुनाया, छुटकारे का सुसमाचार। उसने हमसे प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है, उसने अपना लहू बहा दिया है, हमारे उद्धार की बुनियाद अपने लहू से उसने रखी है, अपना खून उसने बहा दिया है हमारे लिए, और उसने पिता से हमारा मेल कराया। क्रूस पे आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, क्रूस कैसे रहता है, ऐसे और ऐसे ना, सब ऐसे बोलते हैं कई सारे लोग कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ना, सारे जगत से प्रेम किया, उसके लिए उसने अपनी कुर्बानी दी और पिता से उसका मेल करा दिया। हालेलुया, जिन आशीषों की हमने बात की, वो आशीषें एक बड़े दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बोलो इफिसियों के लोगों को आज हमसे कह रहा है, सर्वोच्च प्रभु है वो, उसने तुम्हारे लिए ये सब किया है, इसलिए वो सर्वोच्च प्रभु है। तुम्हें ज्ञान नहीं बचा सकता, तुम्हें दुनिया के काम नहीं बचा सकते, तुम्हें धन नहीं बचा सकता, तुम्हें कोई और दुनिया की पावर नहीं बचा सकती, तुम्हारा तुम्हें तुम्हारा अच्छा स्वभाव नहीं बचा सकता, तुम्हें तुम्हारा अच्छा अच्छे गुण नहीं बचा सकते, तुम्हें चाहिए प्रभु यीशु मसीह, वो हमें बचा सकता है, वो तुम्हें बचा सकता है। वही क्यों बचा सकता है, मरा है मेरे लिए, वो मरा है हमारे लिए, वो सिर्फ मरा नहीं रहा, वो कब्र में 3 दिन रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया। हालेलुया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और हमें नए जीवन की आशा उसने हमें दी। हालेलुया, जो आशीष हमने पाई उनके लिए ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, अब हम क्या करें? अच्छा, एक बात कर ले, जो आशीष हमने पाई है वो हमने अपने बल से पाई है, बताइए, हमने अपनी मेहनत से पाई है, या हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण थे, या हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां थी? नहीं, ये आशीषें जो हमने पाई है, हमारा चुना जाना, अपना उसके पुत्र पुत्री कहलाना, स्वर्गीय स्थानों में आशीष प्राप्त करना, ये हमने कमाई नहीं है, ये हमने हासिल नहीं की, क्योंकि हम कमा ही नहीं सकते, हम हासिल ही नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है, योग्यताओं से ये मिलती भी नहीं। क्या हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, हम कुछ करके इनको प्राप्त कर ही नहीं सकते, सो ये आशीषों को कुछ करके हम नहीं प्राप्त कर सकते, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। वो आया, सुसमाचार सुनाया, हमसे प्रेम किया, लहू बहाया, पिता से मेल कराया, सब कुछ उसने किया, हमने कुछ नहीं किया और ना ही हम कुछ करने के लायक है आज भी। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, हमारा जो उद्धार है वो छुटकारा है, वो हमारी कमाई नहीं है, या हमने
हमारे अंदर कुछ खासियत थी इसलिए हमने नहीं पाया। विवेचन 2:8-10 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पिता से मेल हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है। विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, हमारी मेहनत से नहीं, अच्छाइयों से नहीं, भले कामों से नहीं। भले कामों के लिए तो परमेश्वर वैसे ही कहता है, तुम्हारे भले काम मेरे सामने मैले चिथड़े के समान है। हमारी मेहनत से नहीं, भले कामों से नहीं हमने इसको पाया, विश्वास के द्वारा, जो कि खुद परमेश्वर हमें उस पर विश्वास करने का वरदान देता है। ये भी बोल सकते, मैंने विश्वास किया तब मैंने ये पाया, नहीं, उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने हमें विश्वास का वरदान दिया, उसके आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हुआ, तब हम विश्वास परमेश्वर पर कर पाए, उसके अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर पाए। तो हमारी अच्छाइयों, भलाइयों, कमाइयों या कुछ किसी भी चीज से हमने नहीं पाया, विश्वास से और परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमने छुटकारा और उद्धार वो स्वर्गीय आशीषें प्राप्त की है। देखिए आगे लिखा है, और उद्धार अनुग्रह विश्वास से उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? दान। हमारा उद्धार जो हमने प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से, विश्वास से, ये कुछ करके हमने नहीं पाया, ये दान है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की ओर से हमें ये दान के रूप में मिला है। नौवें, यह कार्यों के कारण नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ अच्छे भले, कुछ बढ़िया काम किए थे, उनके कारण नहीं, जिससे कि कोई कि मैंने उधार पाया क्योंकि मैंने ये किया, सब कुछ परमेश्वर ने किया है, उसके अनुग्रह से हमें ये मिला है। हालेलुया, मुफ्त में हमें ईश्वर की आशीष, उद्धार, छुटकारा हमें मिला। कैसे मिला है? मुफ्त में। मत्ती 10:8 निकाली, लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है। क्या पाया है? क्या, कैसे पाया है? तुमने मुफ्त पाया है। कैसे पाया है? मुफ्त पाया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्री में परमेश्वर की ओर से एक दान के रूप में तुम्हें उद्धार मिला है, तुम्हें मुफ्त में मिला है ये आशीष, नहीं ये छुटकारा, तुम्हें मुफ्त में मिला है। यहां पर 10वें अध्याय में आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह चेलों को सेवा के लिए भेज रहे, जाओ जाति जाति के लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और ये सुसमाचार जिसे तुम सुनाने जा रहे हो, और वो सुसमाचार जिसके द्वारा हमारे जीवनों में वो सारी आशीषें आई हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं तुमने मुफ्त में पाई है। अब हमें क्या करना है? सुसमाचार की सामर्थ्य ने हमारे जीवन को बदला, सुसमाचार हम तक मुफ्त में पहुंचा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? अब हमें क्या करना है? अगला ये भाग देखिए, 8वें पढ़िए, दूसरे भाग में, तुमने मुफ्त पाया है मुफ्त में, तो तुमने मुफ्त में पाया है, तुम भी जाकर मुफ्त में दो। सुसमाचार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष है, तुमने मुफ्त में पाई है, इसलिए तुम भी जाकर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया लोगों को मुफ्त में दो। परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु का दया अनुग्रह जो हमने अपने जीवन में पाया है, हमारी जिम्मेदारी, कलीसिया की जिम्मेदारी ये है कि जाकर उनको बांटिए, जाकर उनको बांटिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह 10 अध्याय में अपने चेलों को कह रहे हैं, और वो आज हमसे भी कह रहे हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला है, जो आशीषों का जिक्र हमने किया वो हमें मुफ्त में मिला है, हमारी जिम्मेदारी है हम जाएं और उन्हें मुफ्त में हम लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें।